चुनावी मौसम की घटाएं घिर आई हैं, बादल गरजने लगे हैं। हर बार की तरह इस बार के भी चुनावी मौसम में अयोध्या के श्रीराम को न्योता भेज दिया गया है। बीजेपी वाले श्रीराम पर अपना जन्म सिद्ध अधिकार मानते ही रहे। बीजेपी को ही चुनावी मौसम में श्रीराम की याद ज्यादा सताती है। जरा देखिए तो बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह श्रीराम की याद में कैसे कलप रहे हैं। ये 72 साल तक हिंदुओं को फुसलाया बहलाया गया, कोट कोट कोट। अब कोट हो या सरकार हो, निर्णय जो भी करे, लेकिन अब 125 करोड़ हिंदुओं को हिंदू का अपमान बर्दाश्त नहीं। शब्द की सीमा अब टूटने वाला है। ये टूटेगा तो उस बाढ़ की तरह होगा कि फिर जो लीला होगी उस लीला को कोई देख करके वर्णन नहीं कर पाए। हर इलेक्शन के पहले मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी को बैलेट बॉक्स में उतारेंगे, उनका बेइज्जती हम करेंगे, राम के नाम पर हम वोट पूछेंगे या तो दूसरे मजहबों को धमकाएंगे, और राम के नाम पे लोगों को, देश के अवाम को हम गाजर दिखाएंगे, और ऐसे हम अपनी मजहब की, अपनी सोच विचार की और मर्यादा पुरुषोत्तम राम की बेइज्जती करते जाएंगे। ये जनवरी तक स्थगित हो, ये जिंदा रखेंगे बीजेपी, इसी बहाने दूसरों से लड़ेंगे। अयोध्या का मामला भले ही सुप्रीम कोर्ट में हो, भले ही अदालत ने इस मामले की सुनवाई जनवरी 2019 तक के लिए टाल दी हो, लेकिन यहाँ तो बीजेपी में मंदिर के लिए बेकरारी बढ़ती जा रही है। कौन करे सुप्रीम कोर्ट का इंतजार, जल्दी से जल्दी मंदिर बनवा दो सरकार। प्रधानमंत्री मोदी के मंत्री की इन्हीं अदाओं पर फिदा होकर ओवैसी कहते हैं कि गिरिराज को सॉलिसिटर जनरल बनवा दो। कोई भी हिंदू और गिरिराज राम भक्त है, उसे वकील बनने की जरूरत नहीं है, उसे वकील का गाउन पहनने की जरूरत नहीं है, उसे पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है। राम भक्त का वकील गिरिराज हैं और मरते दम तक रहूंगा, चाहे इसके लिए कोई भी कुर्बानी देना। कि आप चिंता ना करें, देश को भरोसा है मोदी जी पर। प्राइम मिनिस्टर को ये चाहिए कि अपने अटॉर्नी जनरल को चेंज कर दें और मोहतरम जनाब गिरिराज सिंह जो एक्सपर्ट हैं जुरिसप्रूडेंस के, उनको खड़ा कर दें कोर्ट में और कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने कह दें कि योर लॉर्डशिप, हिंदुओं का सबर का पैमाना लबरेज हो रहा है। मैं इनको चैलेंज कर रहा हूं मोदी प्राइम मिनिस्टर को कि गिरिराज को अटॉर्नी जनरल बना दीजिए। राम मंदिर पर शिया वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष वसीम रिजवी भी पिछले कई महीनों से बीजेपी के लिए बैटिंग करते रहे, कहते हैं कि रामलला अयोध्या में टेंट में है, ये तो शर्मसार करने वाली बात है। जो भगवान पूरी दुनिया में इंसानी किस्मत का फैसला करता हो, वो भगवान आज अपने ही घर के लिए इंसानी अदालत के फैसले के इंतजार में है, पूरी दुनिया के इंसानों के लिए शर्म की बात है। कांग्रेस अयोध्या विवाद से कन्नी काटने लगी है, तो बीजेपी के सहयोगी कम से कम उस रास्ते की तरफ नहीं सोच रहे हैं जिस रास्ते पर बीजेपी के लोग चलना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि मंदिर का फैसला अदालत से ही हो। मैं सभी धर्मों के मानने वाले लोगों से, सभी पॉलिटिकल एक्टिविस्ट से निवेदन करना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सब लोग इंतजार करें। राम मंदिर का मुद्दा करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ है और देश की सियासी पार्टियां इसी आस्था को चुनाव में भुनाती हैं। चुनाव करीब आते ही बीजेपी में श्रीराम को लेकर अकुलाहट बढ़ जाती है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव है, अगले साल लोकसभा का रण है, ऐसे में बीजेपी की बेचैनी और प्रभु श्री राम को लेकर उसकी अकुलाहट समझी जा सकती है। हिमांशु मिश्रा के साथ अशोक सिंघल। उत्तर प्रदेश की हर खबर अपने मोबाइल पर पाने के लिए आप YouTube पर जाकर यूपी तक ऑफिशियल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook पर लाइक भी कर सकते हैं और Twitter पर फॉलो भी।